अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जनाब। और मैं हाजिर हो गया हूँ राशिद हुसैन, और जनाब क्रिकेट ड्रामा आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। तो आज हुआ बड़ा ड्रामा, आज जिम्बाब्वे ने किया पाकिस्तान को चारों शाने चित। पाकिस्तान की टीम ऐसा लग रहे थे कि नंबर 14 की टीम है, और जिम्बाब्वे की टीम की कारकर्दगी ऐसा लग रहा था कि टॉप की कारकर्दगी है। शुरू में 22 रन पे 3 विकटें गिर गई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से खेला है और जिस तरह के परफॉर्म किया है, जिस तरह से उनके बैट्समैनों ने खेला है, और 278 तक स्कोर लेके गए 6 विकटों पर। पाकिस्तान ने 9 विकटों पर जनाब स्कोर लेवल कर दिया और मामला सुपर ओवर पर गया। तीसरी दफ़ा थी वनडे क्रिकेट में कि सुपर ओवर पे मामला गया और पाकिस्तानी टीम दूसरी दफ़ा हार गई। मतलब आप इतने अरसे में एक हिटर तैयार नहीं कर सके, आप सुपर ओवर की जो है प्रैक्टिस नहीं कर पाए, आपकी कोई तैयारी नहीं है। अगर मामला यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो क्या किया जाएगा। सुपर लीग शुरू हो गई है, सुपर लीग में आपने 10 कीमती पॉइंट लूज़ कर दिए हैं। जिम्बाब्वे की मैं कारकर्दगी को अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा, उन्होंने बहुत शानदार कारकर्दगी दी, टीम ने बहुत अच्छा खेला, एक विन ने उनका हौसला यकीनन बढ़ाया होगा, नंबर 6 की टीम को हराया है नंबर 14 की टीम ने। लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी तो आज ऐसा लग रहा था नंबर 17 है। बाबर ने खेला, लेकिन बाबर के स्कोर अकेले के क्या करेंगे। बाबर यकीनन अच्छा खेले और उन्होंने अच्छी स्कोर बनाया, लेकिन सवाल फिर ये आता है कि फिनिशिंग कौन करेगा, इस टीम का फिनिशर कौन होगा, पाकिस्तान को कौन बचाएगा, पाकिस्तान का मसला कौन हल करेगा। आप जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, वो जिम्बाब्वे जो बड़ी मुश्किल से जनाब किसी रैंकिंग में पहुंची है, जो काफ़ी अरसे से क्रिकेट नहीं खेल रही। आप इंग्लैंड से खेल के आए हैं, पिंडी आपका अपना ग्राउंड है, आपके विकटें हैं, आपका सारा मामला है, और आप इस तरह खेल रहे हैं और इस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान के 3 बॉलरों ने जो है 5 विकटें ली तीनों वनडे में, और देखा जाए तो बाबर आजम ने भी एक अच्छी इनिंग खेली, 125 गेंदों पे 125 रन। लेकिन बाबर आजम फिनिशर, मतलब इनको आखिर तक रुकना चाहिए था और उनको खेलना चाहिए था। बाबर आजम की मैं यहाँ पर तारीफ ही करूँगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कैप्टनसी टीम सिलेक्शन में कहीं बाबर आजम जो है वो नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि फैसले करने में वो कहीं आज़ाद नहीं है। आज अब्दुल्ला को नहीं खिलाया, चलें जी पूरी यंग टीम खेल रही होती, हार जाती हमें कोई नहीं होता, लेकिन बात वही है। इंजमाम भाई भी कह रहे हैं कि अकेला बाबर क्या करेगा, तो भाई अकेला क्यों है बाबर। वो खिलाड़ी जो अच्छे हैं, जो आपके नेशनल T20 में परफॉर्म करते हैं, उन्हें आप क्यों टीम में नहीं डालते, सवाल तो है ना। अकेला बाबर क्यों रह जाता है, अकेला बाबर क्यों बन जाता है, टीम परफॉर्म नहीं करती, टीम के सीनियर खिलाड़ी जो हैं परफॉर्म नहीं करते, टीम के सीनियर खिलाड़ी जो हैं अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। सिंगल मैन आर्मी से कब तक खेलेंगे आप। एक बाबर आजम के अलावा क्या पाकिस्तान क्रिकेट कोई दूसरी ब्रांड नहीं बना सकता। हैदर अली हैं, इनको कंफर्टेबल जोन में आना चाहिए, ड्यू टू सिचुएशन खेलना सिखाना पड़ेगा आपको। हर खिलाड़ी को आप T20 का क्रिकेटर बना रहे हैं, हर खिलाड़ी को आप T20 तक मखसूस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हारिस रऊफ को आपको खेलना सिखाना पड़ेगा, उसके पास वैरायटी है, उसको अपनी वैरायटी यूज़ करना सिखानी पड़ेगी। यहाँ पे कोचिंग है, यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस की जनाब बात कीजिए, यहाँ पे आप बात कीजिए। हार जीत होती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं कि जनाब जिम्बाब्वे ने हमें हरा दिया, यकीनन दुख की बात है, लेकिन जिम्बाब्वे बहुत अच्छा खेला और इसको बिल्कुल हम रेट करेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस की, मंजरबानी की हम बहुत अच्छी कारकर्दगी है, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। टीम ने एफर्ट मारी, मुश्किल हालात में अच्छी इनिंग खेली, तो ओवरऑल देखा जाए जिम्बाब्वे को हम अंडरएस्टिमेट नहीं करेंगे। वो हमसे अच्छा खेले और बहुत अच्छा खेले और मुश्किल हालात में अच्छा खेले, तो ये चीज़ हम क्या जिम्बाब्वे से नहीं सीख सकते। सीख हम किसी से भी सकते हैं जनाब, हम जिम्बाब्वे से सीख लें। चलें आप इंडिया से नहीं सीख सकते, आप ऑस्ट्रेलिया से नहीं सीख सकते, आप न्यूजीलैंड से नहीं सीख सकते, तो कम से कम जिम्बाब्वे से सीख लें कि मुश्किल हालात में प्रेशर में एक मजबूत टीम के खिलाफ किस तरह से खेला जाता है। अब देखें जिस तरह से सैन विलियम ने सेंचुरी बनाई है, फिर 50 है, आपकी भी एक सेंचुरी है और आपकी ये पहली सेंचुरी है इस सीरीज़ में, वरना हर मैच में एक जिम्बाब्वियन खिलाड़ी ने सेंचुरी बनाई है। और
ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपनी ही विकेटों पे बड़ी इनिंग नहीं खेल सकते। 30 को आप 50 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को आप 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 100 को 150 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्रिकेट का जो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर था ना, जो खामी थी, जैसी थी वैसे ही है और आप मेरे ख्याल से और ख़राब हो जाएगी। रोहित शर्मा की भी मैं बात कर लूँ, जनाब रोहित शर्मा आज मुंबई इंडियन की तरफ से खेलने आए, और जब रोहित शर्मा खेलने आए तो काफ़ी लोगों की मेरे ख्याल से उनके चेहरे पे एक थप्पड़ पड़ा होगा, और ये बात साबित हो गई है कि टीम में रिफ्ट है, और बिल्कुल है जनाब। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मामला कुछ ठीक नहीं है, मामला में कुछ गड़बड़ है, रोहित शर्मा और विराट कैंप में कुछ गड़बड़ है, शास्त्री साहब की जो है चित्र चलाकियाँ चल रही हैं, और इनकी चलाकियों से मेरे ख्याल से मामला और गड़बड़ हो रहे हैं। तो शास्त्री जी के शास्त्र में जो कुछ आ रहा है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि रोहित की इंजरी ख़तरनाक है, 5 साल उनके ज़ाया हो गए। तो भाई 5 साल तो अब रोहित शर्मा के बाकी भी नहीं बचे, तो अगर वो खेलना चाहता है, वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, और ये खिलाड़ी का मसला है। एक खिलाड़ी कह रहा है वो फिट है, एक खिलाड़ी कह रहा है वो तैयार है, एक खिलाड़ी कह रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, तो आप उसे लेके जाएं। लेकिन पहले आपने जो है अजीबोगरीब मामलात करके, इधर से उधर से फाइलें जमा करके आपने उसको टीम से निकाल दिया। उसके बाद जनाब आपने एक और अच्छा काम किया, पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि रिपोर्ट अच्छी नहीं है और उन्हें नहीं खेलना चाहिए, अगर वो खेलेंगे तो जनाब उनकी कारकर्दगी ख़राब हो जाएगी। अब आप देखें कि उनकी कारकर्दगी ख़राब हो गई, उनकी कैरियर ख़राब हो जाएगा, लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से एक गैर अहम मैच खेले रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा ने ये बताया कि वो फिट हैं। पहले जब टीम में नहीं लिया वो प्रैक्टिस करने चले गए। मामला ये है कि आप अपने वाइस कैप्टन से बात नहीं कर रहे, आप अपने वाइस कैप्टन को एतमाद में नहीं ले रहे, आप अपने वाइस कैप्टन को दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंक रहे हैं। इस तरह से मामलात नहीं चलेंगे। इंडियन क्रिकेट को बहुत मुश्किल से बहुत ऊंचा मकाम मिला है, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी हरकतें इंडियन क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। टीम में खेमे बन जाएंगे, और मेरे ख्याल से हर टीम में होते हैं खेमे, लेकिन इस तरह के खेमे बन जाएंगे, इस तरह के ग्रुपिंग हो जाएगी, इस तरह के मामलात हो जाएंगे, तो ये मामला जनाब बहुत गंभीर हो जाते हैं, एंड वक्त पे एंड मामलात में गड़बड़ हो सकती है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त कोशिश यही करनी चाहिए कि मामलात इतने गड़बड़ ना हो, हालात इतने ख़राब ना हो, वाकयात जो है जिस तरह से कड़ियों से कड़ियां मिल रही हैं, तो मामला वहीं पे जा रहा है, रोहित विराट। और अगर यहाँ पे विराट शामिल नहीं भी हैं, तो अगर ऑस्ट्रेलिया का टूर है, एशियन टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया के टूर में, अगर वहाँ पे टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो फिर मेरे ख़्याल से तब्दीली आएगी, और तब्दीली मैनेजमेंट में भी आएगी, और जब मैनेजमेंट में तब्दीली आएगी तो फिर ऐसा लगता है कि विराट और शास्त्री साहब की छुट्टी हो सकती है। तो मेरे ख़्याल से इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए, इंडियन टीम में इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए, और इस तरह की बातों को क्लियर करना चाहिए। अब गंगोली साहब ने एक इंटरव्यू दे दिया, गंगोली साहब सुबह इंटरव्यू देते हैं, शाम को रोहित शर्मा जनाब मैच खेल लेते हैं, और वो खेल के बताते हैं कि वो मैच फिट हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें कोई दर्द नहीं है, हैमस्ट्रिंग जो है उनकी मामूली नौयत की है, और वो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मामूली नौयत की है। 4 मैचेस के बाद, 1 हफ्ते के बाद वो खेलने के लिए तैयार हो गए। आप 1 महीने बाद होने वाले मैच के लिए, सीरीज़ के लिए उनको ले के नहीं जा रहे थे, अब बड़ा मामला गंभीर हो गया। अब अगर टीम में वो उनको नहीं लेके जाते, या उनको रोहित को कोई इंजरी हो जाती है, दोनों सूरतों में नुकसान तो इंडियन क्रिकेट का ही है, और ये बात मामला बैठ के सोच समझ के अच्छे तरीके से भी हल हो सकता था, लेकिन मामला जगह साई पे चला गया है, और लोग बातें करने वाले बातें करेंगे, लोग रोहित और विराट की बातें करेंगे, आप किस किस का मुंह बंद करेंगे। आपको इतना बड़ा बोर्ड आपने रखा हुआ है, इतने सारे नुमाइंदे रखे हुए हैं, अगर वो ये काम नहीं कर सकते तो फिर उनको टाटा बाय बाय कह दें। अब सहाफ़ियों से आप बात नहीं करना चाहते, मीडिया से बात नहीं करना चाहते, तो एक प्रेस लिस्ट जारी करके
बात ख़त्म कर देते, लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई और बात का बतंगड़ बन गया। मुझे इजाज़त दीजिए जनाब, उम्मीद करूंगा कि जो कुछ भी होगा, रोहित भी एक बड़ा खिलाड़ी है, विराट भी एक बड़ा खिलाड़ी है, इंडियन क्रिकेट का कोई एक बड़ा नुकसान नहीं होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।